नमस्कार, मैं धीरज सिंह राजपूत, आपका हमारे YouTube चैनल टैग धीरज में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं आज लाया हूं आपके लिए अनबॉक्सिंग, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि BPCL SBI का BPCL नया कार्ड जो लॉन्च किया है एडिशनल रिवार्ड पॉइंटों के साथ, और कुछ उसका चार्ज है, उसकी मैं आज अनबॉक्सिंग करूँगा। मैंने वो कार्ड मंगवा लिया है, तो उसमें मैं आपको उसके फीचर बताऊँगा और क्या उसमें डिफरेंट है पुराने वाले BPCL कार्ड से, और इसमें क्या भी में डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और करूँगा अनबॉक्सिंग। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। यह BPCL का न्यू अपडेटेड कार्ड जो SBI ने अपना नया कार्ड जो लॉन्च किया है वो मैंने मंगवा लिया है। अब इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या एडिशनल फ़ीचर्स आपको मिले हैं पुराने कार्ड से कुछ हट के, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा और अनबॉक्सिंग करके बताऊँगा कि क्या क्या नया डिफरेंट है, क्या कौन सी अलग से इसमें बेनिफिट आपको मिल रहा है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वही वाला कार्ड मैं आपको इसमें आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ठीक है, तो ये वाला कार्ड मैं आपको ओपन कर लेता हूँ, ये निकाल लेता हूँ। इसमें से मैंने क्रॉप, इसमें से कटिंग करने के बाद इसमें से ये इसका मैं बॉक्स निकाल लेता हूँ। क्या शानदार बॉक्स है जो मैंने दिखा रहा हूँ, कितना शानदार पैकिंग के साथ ये आ रहा है। अब इसमें से नीचे से मैं एक एक चीज़ करके अंदर से निकालूंगा और दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या क्या फ़ीचर्स है। ये वाला लोगो अब नए कार्ड के ऊपर आपको मिलने वाला है, ठीक है। पुराने वाले कार्ड पे ये लोगो नहीं था, इस वाले कार्ड पे ये वाला लोगो आपको मिडिल में मिलने वाला है और अच्छे सी साइनिंग आपको उस कार्ड पर देखने को मिलेगी, उस कार्ड की अपेक्षा पुराने वाले BPCL कार्ड की बजाय, ठीक है। अब इसमें ये सारे जो पैकिंग है अंदर से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है ये देख लीजिएगा। इसमें मिलने वाला है, ये है मेरा कार्ड, ये वाला इस वाले पेज पे मेरे कार्ड पीछे की तरफ चिपका हुआ है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा निकाल के, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये वाला कार्ड, आप ये वाला आपको पेज हटा के रख दिया, इसके बारे में बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये सबसे पहले हम उठाएंगे इसमें से, ये देखिएगा ये सारा पैकिंग, क्या शानदार पैकिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला है सबसे पहला, ये पेपर है जहाँ पर हमें फ्रंट में कार्ड रखने की जगह दी जाती है और ये यहाँ पर कार्ड चिपका भी है, चिपका भी सकते हैं और रख सकते हैं फीचर्स के दिखाने, मतलब देखने के लिए अच्छी जगह कार्ड की। और इसमें ये वाला शॉर्ट टर्म में आपके कार्ड की टर्म्स कंडीशन लिखी हुई है, आपको इसमें बताया कि 7.25% का कैशबैक आपको मिलने वाला है। अगर 2 लाख रुपये तक का क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तो आपकी जो एनुअल फीस है वो माफ़ हो जाती है, ठीक है। और कितना रिवार्ड पॉइंट आपको 100 रुपये स्पेंड करने पे मिलता है, ये सारी चीज़, ये सारे जो बेनिफिट्स हैं एक शॉर्ट टर्म में इस पेपर पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है एडिशनल 2 लाख से ऊपर खर्च करने पर, कितना खर्च करेंगे तो कौन सा वो मिलने वाला है। ये वाला है बुकलेट जिसमें क्रेडिट कार्ड की जो सारी डिटेल्स हैं वो दी हुई हैं, उसके फीचर्स बताए हुए हैं, वो सारी एक एक करके हम पढ़ेंगे। वेलकम बेनिफिट में आप उनको 6000 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं जिनकी कीमत है 1500 रुपये, ठीक है। और 1 साल में अगर आप इसको 2 लाख स्पेंड कर लेते हैं तो आपको ये वे ऑफ हो जाती है, ठीक है। और इसका चार्ज 1500 रुपये प्लस GST है। दूसरे पे स्पॉन्ड बोनस रिवार्ड बेनिफिट, कितना आप रिवार्ड पॉइंट, वही चीज़ मैंने आपको बताई कि 2 लाख स्पेंड करने पर आपकी जो फीस है वे ऑफ हो जाती है। वैल्यू बैक बेनिफिट, इसमें क्या 25 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, पुराने वाले कार्ड पे आपको 17 रिवार्ड पॉइंट मिला करते थे, इसमें 25 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे आपको 100 रुपये स्पेंड करने पर, वहाँ पर 100 स्पेंड करने पर आपको 17 रिवार्ड पॉइंट मिलते थे, और 25 रिवार्ड पॉइंटों में 7.25 रुपये कैशबैक हो गया। और इसकी जो रिवार्ड की जर्नी रहेगी, ठीक है, तो वो बताइए कि कितने परसेंट तक आपको फ्यूल पे सरचार्ज आपको फ्री रहेगा, इसके अलावा कितना रुपए आपके प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी और कितना चार्ज लगेगा, वो सारी। मोर मिलियन मोर बेनिफिट, बहुत सारे, मतलब क्या माइलस्टोन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या क्या कौन कौन से वाउचर मिलने वाले हैं, यात्रा वगैरह का, ये सारे वाउचर आपको मिलने वाले हैं अगर उससे 2 लाख से ऊपर स्पेंड करने पर। टेक ऑफ द प्रिपिक नोट, मतलब आप जो लगेज के लिए आपको 4 बार से ज़्यादा, आपको 1 क्वार्टर में 1 बार लगेज की छूट मिल जाती है आपके एयरपोर्ट पे। फ्यूल सरचार्ज पे 1% आपको जो आपका सरचार्ज लगता है वे ऑफ कर दिया जाता है, 1% 4000 रुपये, और एक
एक स्पेंडिंग टाइम मतलब एक बिल पे आपको 100 रुपये का तक का फ्यूल चार्ज आपको सरचार्ज फ्री हो जाता है इस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। ठीक है, इसमें आपको विश्व सेफ ट्रिप, आपके ट्रिप के लिए आपको 1,00,000 रुपये का आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाता है। ठीक है, ट्रिप के लिए, एयर ट्रिप के लिए। ठीक है, रिवार्ड के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम इसमें। इसमें है रिवार्ड रिडम्पशन, आप रिवर पेट्रोल पंप पे आप इसको रिवार्ड के रिवार्ड पॉइंटों को रिडीम कर सकते हैं, अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट है आप कितने तक कब कितना लीटर 110 लीटर तक की एक साल में बचत कर सकते हैं, कहाँ का कौन से रिवार्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं, ये सारी बेनिफिट्स इसमें आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आप चलते हैं। यहाँ पर है सिक्योरिटी बेनिफिट, आप इसके लिए क्या क्या सिक्योरिटी बेनिफिट दिए, आप कितने दिन में आप कार्ड बंद करा सकते हैं, कहाँ पर कॉल करके कार्ड को बंद करा सकते हैं, कितना टाइम आपको मिलने वाला उस टाइम में आप क्रेडिट कार्ड का करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी, आप कहाँ किस तरीके से अपने हेल्पलाइन से कॉल अपनी हेल्प के लिए मतलब कहाँ कॉल कर सकते हैं, कौन से नंबर पर कॉल करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताइए। कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी, डू मोर ऑनलाइन, आप ऑनलाइन क्या क्या चीज़ इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं और कहाँ पर इसके मतलब इनके जो आपकी क्वेरी है वो सॉल्व करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। इस तरीके से इसका जो ये बुकलेट है ख़त्म हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमें दिखाई देने वाला है हमारा BPCL की जो टर्म्स कंडीशन है कार्ड की, जो नॉर्मल कार्ड की सबकी टर्म्स कंडीशन होती हैं वही सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं कि कार्ड में क्या क्या बेनिफिट हैं, कि EMI करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, इसके अलावा आप किस किस तरीके से आप उसमें फ़ीचर्स यूज कर सकते हैं, पिन कैसे चेंज कर सकते हैं और किस तरीके के चार्ज आपको इसमें लगने वाले हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट है जो कस्टमर द्वारा अपने बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर के साथ किए जाते हैं और कार्ड पर क्या क्या बेनिफिट है, किस किस तरीके के ट्रांजेक्शन के फ़ीचर्स ये कार्ड देता है और कहाँ तक कितने लिमिट तक स्पेंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताइए। और अगर आप पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं तो उसमें भी आपको जो चार्ज लगने वाले हैं वो सारे चार्जों के बारे में इसमें डेफिनेशन है, कब कौन सा चार्ज कितना लगने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको इस बुकलेट में बताइए। तो मैं इसको रखता हूँ साइड में, आप चलते हैं हम नेक्स्ट में। ये पेपर है जो इसकी पैकिंग के साथ आया है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं वाला कार्ड जहाँ पर मेरा कार्ड इसमें चिपका हुआ है, ये वाला है पेपर जहाँ पर हमारी क्रेडिट लिमिट मेंशन होती है, साथ में इसमें हमारा कार्ड में आपके इसमें लगा हुआ होता है, तो जिसे मैं आपको अलग करके हटा के बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाला कार्ड है जो मुझे मिला है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये नीचे मेरा कार्ड चिपका हुआ है, इसमें मेरा नाम मेंशन है। मैं अब इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसमें आपको दिखाऊँगा कि क्या इसमें एडिशनल बेनिफिट बता रखे हैं, कि इसमें शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ बता रखी है, कितनी कार्ड की लिमिट है, कहाँ और एक किस तरीके से कार्ड इसमें लगा हुआ आता है, कैसे पिन चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस कार्ड में की अंदर मेंशन है। तो इस तरीके से ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। ठीक है, और मेरी अनबॉक्सिंग कैसी लगी, और मैं ऐसे ही नए नए कार्ड आपके लिए लाता रहूँगा और मैं इसी तरीके से अनबॉक्सिंग करके बताता रहूँगा और उनके फ़ीचर्स बताता रहूँगा कि कहाँ कौन सा कार्ड अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी आपको बेनिफिट बताऊँगा, आपको पिन चेंज करके बताऊँगा, ये सारी बातें मैं आने वाले सब वीडियो में बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ नए नए कार्डों के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और मैं इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं और आप मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।